हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का सबसे तेज शतक 37-33 गेंदों में लगाकर पूरी मीडिया पर और सब जगह अपना नाम किया है, आज मैं उनके बारे में आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। मोहम्मद अजहरुद्दीन का जन्म 1994 में हुआ था। शुरुआती दिनों में जब उनके माता पिता उनके नाम के बारे में सोच रहे थे, तब मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो कि उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे, उनके नाम पर उनका नाम रखा मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो कि उनके बड़े भाई कमरुद्दीन ने सुझाया था। दाहिने हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 22 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिनमें 25 रन के औसत से 959 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने सत्र की शुरुआत नवंबर 2015 में गोवा के खिलाफ की थी। अब तक उन्होंने जो 21 2020 मैच खेले हैं, जिसमें 404 रन बनाए हैं, इसमें 137 रन की पारी भी शामिल है। अंडर 19 और अंडर 23 में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद में मोहम्मद अजहरुद्दीन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शामिल किया गया था। हालांकि उनके साथ में भी उतार चढ़ाव भरी चीज़ें होती रही, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने अद्भुत पारी खेली है, वहाँ पर मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो कि भारतीय कप्तान थे, उनका दूसरा सबसे हाईएस्ट स्कोर था, जो कि 126 रन का था, और पहला जो हाईएस्ट स्कोर है सचिन तेंदुलकर के नाम 302 रन का है। भारत में घरेलू क्रिकेट में नए सत्र की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हुई है। देश की 36 अलग अलग टीमों के बीच खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 में रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन की पारी ने मुंबई की टीम को और हराने में बहुत ज़्यादा मदद की और सबके मुंह पर अपना नाम किया है। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 54 बॉल्स में 137 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 11 छक्के लगाए हैं। अजहरुद्दीन ने मात्र 37 गेंदों में अपना शतक पूरा भी कर लिया था। इसके साथ ही वह केरल की तरफ से शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। यही नहीं, वह टूर्नामेंट का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बने। सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अब भी ऋषभ पंत के नाम है, जिन्होंने मात्र 32 गेंदों में यह कारनामा किया था। मोहम्मद अजहरुद्दीन ये शतक लगाने के बाद उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स ध्वस्त किए हैं, जिसमें केएल राहुल से भी वो आगे निकले हैं। उन्होंने अपनी आतिशी पारी के साथ अजहरुद्दीन अब भारत की तरफ से 2020 क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने केएल राहुल को पीछे छोड़ा। राहुल ने 2020 में आरसीबी के खिलाफ 132 रन की पारी खेली थी। फिलहाल इस लिस्ट में शीर्ष पर कायम श्रेयस अय्यर हैं, जिन्होंने 2019 में सिक्किम के खिलाफ 147 रनों की पारी खेली थी। वहीं दूसरा स्थान मेघालय पर कप्तान पुनीत बिष्ट पहुंच गए हैं, जिन्होंने इसी टूर्नामेंट में मिजोरम के खिलाफ 146 रन की नाबाद पारी खेली थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने गेल को भी पीछे छोड़ा है। अजहरुद्दीन ने लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में दिग्गज क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया है। गेल ने 2017 में रंगपुर राइडर के लिए 126 रन की पारी खेली थी। इस सूची में फिलहाल शीर्ष पर काबिज हैं ल्यूक राइट, जिन्होंने 2014 में सेसेक्स के लिए खेलते हुए 153 रन की पारी खेली थी। तो दोस्तों, एक और अजहरुद्दीन हमारे बीच में आ चुके हैं, और हो सकता है इन्हें हम आने वाले दिनों में आईपीएल में भी देखने को ये मिलें। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।